अभी राजनीतिक परिस्थितियाँ बिहार में बनी हुई कैसे देखते हैं? अरे भाई माइक पीछे कर ले, आज तक अरे सर को लग गया भाई, एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर ले भाई, सर को लग सकता है। ठीक है, कैसे कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो पल ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के एक करीब 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में, और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। सर, 2 तारीख को भाजपा लवकुश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या है लवकुश यात्रा? सर, बिहार सर आरजेडी विधायक है श्याम बहादुर, वो कह रहे हैं, फतेह बहादुर सिंह वो कह रहे हैं कि सरस्वती माता पर सवाल उठा रहे हैं और उससे पहले भी राम को लेकर काल्पनिक कहा था। देखिए, राजद जदयू गठबंधन में चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे फतेह बहादुर हो, चाहे मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दयानिधि महारन हो, लोग रह रहकर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते रहते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, और अगले चुनाव के तरफ सनातन एक मुख्य मुद्दा होगा और देश की जनता ऐसे लोगों को पूरी तरह से पराजित करने का काम। जब का सर केसी त्यागी से पूछा गया कि क्या एनडीए के साथ आप जाएंगे तो उन्होंने बोला कि कोई दुश्मन नहीं है। अभी राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बनी हुई कैसे देखते हैं? अरे भाई माइक पीछे कर ले, आज तक अरे सर को लग गया भाई, एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर ले भाई, सर को लग सकता है। ठीक है, कैसे कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो पल ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, ललन सिंह ने जदयू के एक करीब 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में, और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में है कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में
हम 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। सर, 2 तारीख को भाजपा लवकुश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, उसके बारे में कुछ क्या है लवकुश यात्रा? सर, आरजेडी विधायक है श्याम बहादुर सिंह, वो कह रहे हैं, वो फतेह बहादुर सिंह वो कह रहे हैं कि सरस्वती माता पर सवाल उठा रहे हैं और उससे पहले भी राम को लेकर काल्पनिक कहा था। देखिए, राजग जदयू गठबंधन में चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे फतेह बहादुर हो, चाहे मौर्य हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दयानिधि महारन हो, लोग रह रहकर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते रहते हैं, सनातन का विरोध करते हैं और अगले चुनाव के तरफ सनातन एक मुख्य मुद्दा होगा और देश की जनता ऐसे लोगों को पूरी तरह से पराजित करने का काम। जब सर केसी त्यागी से पूछा गया कि क्या एनडीए के साथ अब जाएंगे तो उन्होंने बोला कि कोई दुश्मन नहीं।